हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। सो जैसा कि आप सबको पता है, मुझे क्राफ्ट का बहुत शौक है। मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूं आर्ट एंड क्राफ्ट में। सो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैंने करी है डायमंड पेंटिंग। यस, आज हम करते हैं साथ में डायमंड पेंटिंग। सो आई हैव गॉट दिस टुडे। इसको हम ये ऐसे आता है बॉक्स में, और अभी खोलते हैं, लेट्स सी इसमें क्या है। पैकिंग एकदम अच्छी की हुई है, बहुत अच्छी पैकिंग है। ये सारा उन्होंने दिया हुआ है पेस्टिंग के लिए। नाइस। ये सारे बीड्स हैं जो कि यूज होंगे पेंटिंग में। सो ये ऐसे छोटे छोटे पाउच हैं और इस पे नंबर लिखे हुए हैं इन्होंने। ऐसे डिफरेंट कलर के हैं सारे ये। अब मेन है ये, तो इसमें इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कौन सी फोटो है, और इसमें बीड्स के नंबर है, जो ये वाले बीड्स हैं ये इसके नंबर है। इतनी बड़ी पेंटिंग है ये, बहुत अच्छा साइज है। मतलब साइज आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज करते हैं। मुझे ये साइज चाहिए था तो मैंने ये वाला साइज ऑर्डर करा है। आप इससे छोटा साइज भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत बहुत सारे डिज़ाइन है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इनका बैग भी बहुत अच्छा है, ये चीज़ अगर आप देख सकते हैं तो बहुत अच्छा है ये। और इस पे ऐसे ये स्टिकर लगा हुआ है, आपको इसे ऐसे खोलना है, उसके बाद पेस्ट करना है। अभी मैं वो दूसरे मोड पे लगा के वो दिखाती हूँ, बिकॉज अभी इसमें आप देख नहीं पा रहे होंगे कुछ भी। वहाँ से थोड़ा सा दिख गया आपको, तो मैं खोल के ही दिखाती हूँ। मैं कैमरा चेंज करती हूँ कैमरे की साइड, तब मैं दिखाती हूँ। सो यहाँ ऐसे ये फोटो बनी हुई है, और ये सारे बीड्स के नंबर हैं, क्वांटिटी है, और ये इसका नंबर है, और ये दोनों साइड है, और ये इतनी बड़ी है। ये टूल्स हैं। ये ऐसे नंबर हैं। ये पेस्टिंग के लिए पेन, और जो नए होते हैं वो ऐसे खाली होते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। सेम विद दिस वन, और इसमें और ये मिलता है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। सिर्फ ऐसे पिन मारना और आ जाता है। सो देख सकते हो अब ये एकदम नया है। और ये यहाँ से हट गया। सेम अगर आपको ये छोटा यूज करना है तो वो कर सकते हो। ये होता है सिंगल डायमंड उठाने के लिए, ये होता है काफी सारे उठा सकते हो, और इसमें सिर्फ तीन चार ही उठते हैं, तो मैंने ये करा है। अब मैं इससे करके दिखाती हूँ कि इससे करते कैसे हैं।
ये लेंगे। सीधा अब इसमें ये उठा के और यहाँ पेस्ट कर सकते हो। इट्स क्वाइट सिंपल। और मैं अभी इस पे भी करके दिखाती हूँ, पर ये बहुत आराम से और हिला डुला रही हूँ, गिर नहीं रहा है तो भी एज इट इज है। सो ऐसे पेस्ट करें। अब मैं इसमें दिखाती हूँ कि कैसे पेस्ट करना है। सो ये जो बीड्स हैं, कई लोग इसे डायमंड्स बोलते हैं, कई लोग इसे ड्रिल बोलते हैं, ये दो शेप में आते हैं, राउंड में आते हैं और ऐसे स्क्वायर में आते हैं। सो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर राउंड वन, बिकॉज वो आपका थोड़ा सा अगर एरिया दिखेगा तो वो वियर्ड नहीं लगेगा, और स्क्वायर वाला बहुत आपको एग्जैक्टली रखना पड़ता है। बट मैं आपको अपना पर्सनल फेवरेट बताऊं, सो डेफिनेटली स्क्वायर वाला है। सो इसीलिए मैंने वो यूज़ किया है। और इसमें एक और चीज़ है, हाफ़ ड्रिल और फुल ड्रिल, जो ये डायमंड्स हैं, ये हाफ़ ड्रिल में क्या होता है, जो आपका मेन जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ उसी पे ही आपका ड्रिल होता है, बाकी सारा पेंटिंग होता है उसी पे, सिर्फ डायमंड पेस्ट होंगे। और जो फुल ड्रिल होता है वो पूरा का पूरा कैनवस जितना भी होगा वो सारा का सारा आपको डायमंड्स पेस्ट करने पड़ेंगे। सो जो मैंने लिया है ये मेरा फुल ड्रिल है, इसमें सारा बैकग्राउंड से लेकर हमारी फोटोग्राफ सारा कुछ डायमंड पेस्ट होने थे, उसमें कोई भी ऑलरेडी पेंटेड नहीं था। सो अगर आप नए हैं सो आप उसमें भी वेरिएशन कर सकते हैं कि आप हाफ ड्रिल में चले जाओ रेदर देन गोइंग फॉर फुल ड्रिल, ताकि उसमें जो आपका मेन होगा सिर्फ वो आपको डायमंड पेंटिंग करना होगा, उस पर ही पेस्ट करने होंगे ये डायमंड्स, अदरवाइज सारा पीछे वाला पेंटेड होगा, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना होगा। एक और अगर मैं आपको इसमें ज़रूरी चीज़ बताऊं तो सिर्फ बिकॉज मैंने आपको बताया ये स्टिकी होता है कैनवस, सो सिर्फ उतना ही हिस्सा कट करो जितना आपको यूज़ करना है, बिकॉज़ अगर आपने वो हटाया तो उसकी स्टिकीनेस चली जाएगी। सो थोड़ा थोड़ा एरिया करो बेशक से, पर उतना ही हटाओ उसको जितना आप उस दिन कर सकते हो। ज़्यादा हटाया आपने और नहीं किया तो वो स्टिकीनेस चला जाएगा, और वो एक बार अगर आप पेस्ट भी हो जाएगा तो उसके बाद वो बार बार निकलेगा उसमें से डायमंड, सो वो कोई फ़ायदा नहीं है। और डायमंड पेंटिंग के साथ ऐसी बड़ी ट्रे भी मिलती है और एक छोटी वाली ट्रे भी आती है। सो अगर आप मेरे जितनी बड़ी पेंटिंग कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सो आई विल से गो फॉर दिस लाइक बड़ी वाली ट्रे। और अगर आपको डायमंड पेंटिंग के साथ नहीं मिलती है तो आप एक एक्स्ट्रा ख़रीद लो, बिकॉज ट्रस्ट मी बहुत कन्वीनियंट होगा आपके लिए। अदरवाइज़ वो छोटे वाली में बहुत हार्ड हो जाता है, बिकॉज उसमें जो गैप्स होते हैं वो शेक करके जो डायमंड को लाइन में लाते हैं वो ढंग से होता नहीं है, बड़ी वाली ट्रे ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। सो आई विल बी ऑनेस्ट, ये डायमंड पेंटिंग बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, नो डाउट बहुत रिलैक्सिंग है, आप बहुत इंजॉय करते हो अगर आप ये सब चीज़ें पसंद करते हो तो। पर कई बार होता है हम सिर्फ गिफ्टिंग के पर्पज़ से ले लेते हैं कि हमें गिफ्ट चाहिए या घर में ऐसा अच्छा लगेगा, एंड देन ओवर द पीरियड हम बोर होने लगते हैं। सो आप साइज़ अकॉर्डिंगली चूज़ करिए, बिकॉज मेरा अगर आप साइज़ देखोगे तो मेरा बहुत बड़ा है, 50x70 का साइज़ है मेरा, एंड इट टुक मी अराउंड लाइक 2 मंथ्स, क्योंकि मैं फुल टाइम करती हूँ जॉब, और उसके बाद मैं बाकी थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ाई करती हूँ मैं, तो मेरे को 2 महीने लग गए हैं इसे कंप्लीट करने में। सो मैं यही कहूँगी कि आप साइज़ छोटा ले लो, मत लो उतना बड़ा साइज़ अगर आपका फर्स्ट टाइम है और आपको नहीं कॉन्फिडेंस है अपने आप पे। बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, सबको बहुत अच्छा लगेगा, पर
अपने ऊपर भी बर्डन ना डालिए, बस ये थोड़ा ध्यान। सो अगर मैं डायमंड पेंटिंग की बात करूं और मैं ये बात करूं कि कैसी फोटोग्राफ लेनी चाहिए, आई वुड सजेस्ट गो फॉर लाइक जो आपका सिर्फ जितना लाइक बहुत दूर से ना हो, थोड़ा पास से हो, फोकस आप लोगों पे हो, ऐसा नहीं है कि पीछे बहुत ही कुछ आ रहा है। और क्या चीज़ें आप कर सकते हो, रात की, जैसे मैंने गलती की है, मेरी ये वाली रात की है। सो अगर आप मेरे में देखोगे तो काफ़ी कुछ सी बैकग्राउंड ब्लैक ब्लैक दिखेगा आपको, क्योंकि अंधेरे की है। सो अगर आप दिन की लोगे तो आई गेस वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, बिकॉज उसमें कपड़ों के कलर में फ़र्क आएगा अंधेरे की वजह से कपड़ों का, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी डायमंड्स बीड्स जो इसमें लगे हैं वो डिसाइड होते हैं कंप्यूटराइज, कंप्यूटर में आपकी फ़ोटोग्राफ जाती है। तो नो डाउट आप बहुत क्लियर फोटोग्राफ भेजोगे, बहुत आपकी हाई रेजोल्यूशन की चाहिए इसमें फ़ोटोग्राफ, पर वैसे भी अगर आप रात की भेजोगे तो वो उतना अच्छा आएगा नहीं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि दिन की है तो दिन की करो। मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैंने ये फ़ोटोग्राफ निकलवाई है, कस्टम मेड जो थी, तो मेरे को खुद को भी उतना आइडिया नहीं था। मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं आप लोगों को गाइड करूँ कि एटलीस्ट आप वो गलती ना करें जो मैंने गलती की है। ओके, सो जो डायमंड पेंटिंग होती है वो कंप्यूटराइज्ड कलर आते हैं। सो उसमें क्या होता है, कहीं भी लाइट पड़ती है, जैसे हमारा ये शाइनी पार्ट्स वैसे भी होते हैं, आप वीडियो में भी देखोगे ये चीज़ शाइन कर रही होती है, सो इसमें भी यही होता है। सो आप इसमें मेरा फेस देखो और सारांश का। सो मैंने पहले अपना फेस बनाया था और देन आई रियलाइज्ड कि वो बहुत गंदा लग रहा है, मैं वापस से दिखाती हूँ। सो आप मेरे फेस पे देखोगे ये यहाँ पे, यहाँ पे और ये यहाँ पे वो शाइनिंग आ रही थी, तो कलर्स चेंज थे। सो मैंने बिना देखे जो उस पर नंबर था मैंने एज इट इज़ डाल दिया और वो मुझे पसंद नहीं आ रहा अब। एंड अब आप सारांश का फेस देखो, ये लग रहा है और ज़्यादा रियल सा, बिकॉज इसमें जो भी हाईलाइटेड था, जो भी लाइट कलर्स थे वो मैंने यूज़ ही नहीं किए, मैंने उसकी जगह जो नॉर्मल नंबर्स चल रहे थे मैंने वही यूज़ किए। अब इसमें क्या होता है कि जितना आपका यूज़ होगा ये उससे ज़्यादा ही देते हैं। सो ये मत डरना कि कम पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, ट्राई करो कि सेम ही रखो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज आप खुद देखोगे सारांश का चेहरा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो मेरे फेस का जो भी हाइलाइटेड पार्ट था वो मैंने वापस से हटाया, बिकॉज वो मुझे जेन्युइनली बहुत ही गंदा लग रहा था। और ये भी आपको, ये भी पूरा किट में ही मिलता है, ट्वीज़र्स वगैरह भी आपको सारा कुछ किट में मिलता है, पर मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर चुकी हूँ कि आप जब अगर फेस बना रहे हैं तो पहले से ही सेम कलर टोन यूज़ करिए, बिकॉज एक बार आप पेस्ट करके हटाते हो सो उसका स्टिकीनेस जाने का डर रहता है, बस और कुछ नहीं। सो पहले आपने देखा था मेरा फेस कैसा दिख रहा था और मैं आप दिखाती हूँ। मैंने वो सारा हटा के जो यहाँ से शाइन कर रहा था, लाइक डिफरेंट कलर्स थे, मैंने वो सारा हटा के वापस से सेम कलर वाले मैंने पेस्ट करे हैं और बहुत सुंदर अब लग रहा है। और मेरी ये डायमंड पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैं दिखाती हूँ अब कंप्लीट होके कैसी लगती है। सो ये है मेरी डायमंड पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद, और जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था मेरी फुल ड्रिल है। सो इसमें कुछ भी पेंटेड नहीं है, सब कुछ मैंने डायमंड ही पेस्ट करा है। और ये जैसे कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप रोलिंग पिन लीजिए और एक बार पूरी पेंटिंग के ऊपर घुमा दीजिए, ताकि कोई भी लूज डायमंड्स होंगे वो निकल जाएंगे और फिर से आप पेस्ट कर सकते। आपको पसंद आई होगी ये डायमंड पेंटिंग और आज की ये वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।